हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं हैप्पी होली की बधाई देना चाहता हूँ। होली एंजॉय करो यार, एक वक्त ऐसा था कि हम भी होली खेला करते थे। खैर बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी जलसा का, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई है। यार टेंशन मत लो, इसके अलावा दो और मूवी का रिव्यू इसी वीडियो में आने वाला है। बात करेंगे जलसा की, तो मूवी की ओवरऑल 2 घंटे की, और कहानी स्टार्ट होती है माया से, जो कि एक जर्नलिस्ट है। माया का एक बेटा भी है जो एबनॉर्मल है। वही दूसरी तरफ रुखसाना हमें नजर आती है, जो कि माया के घर में ही कुक है। रुखसाना की अपनी एक फैमिली है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ऑफ आता है जब एक टिकटॉकर लड़की का कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आपको एक अच्छा हार्ड हिटिंग मूवी देखनी है जिसमें आपको बाप लेवल के परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, तो ये पर्टिकुलर मूवी आपको देखना ही पड़ेगा। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करूँ तो एक ऐसी वर्किंग लेडीज देखने को मिलेगी जिनको अपनी फैमिली के साथ साथ अपने काम को भी देखना है। वो अपने काम को किस लेवल पर जाकर निभाती है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन कैरेक्टर्स की अपनी एक तकलीफ भी फील होगी। यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट है, शर्म है, और एक तरह का डर भी है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कैरेक्टर देखने को मिलेगी जिसके अंदर दर्द भी है और गुस्सा भी है। और जब ये दोनों कैरेक्टर आपस में भिड़ते तो क्या मैजिक होता है स्क्रीन पर, वो तो क्या ही कहने। और यही वजह से इसको जो क्लाइमेक्स है वो एक सेकंड के लिए मुझे हिला के रख देता। मैं सोच रहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, और फिर क्या हुआ वो मैं आप लोग मूवी में देख लेना। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी, एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। विद्या बालन और शेफाली शाह ने तो बहुत कमाल का काम किया, लेकिन जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है, जैसे कि वो बच्चा जो एबनॉर्मल का रोल प्ले किया, प्लस वो ओल्ड मैन जिसने यहाँ पर कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया, कमाल है। एक सेकंड के लिए इस मूवी में वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला एंगल आ गया था ना, वहां पर मुझे लगा कि यार ये मूवी भी फिर वो दूसरी मूवीज की तरह हो जाएगी, लेकिन भाई वो जो ट्विस्ट था लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। तो आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, इस पर्टिकुलर मूवी को जाकर जरूर देखना। ये मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। और हाँ, पैरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में अश्लील सीन्स एक ही है बस, वो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का एक लड़का वो किसिंग सीन करता है बस, वो भी इतना कुछ दिखाया नहीं गया ऐसा मतलब। तो आप लोग ये मूवी घर पे बैठ के देख सकते हो विद फैमिली। खैर अब हम लोग बात करेंगे मलयालम मूवी जिसका नाम है सैल्यूट। ये सोनी लीफ पर रिलीज हुई है, बट अच्छी बात यह कि आपको मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 hours 22 minutes की, और कहानी शुरू होती है अरविंद से, जो कि एक एक्स सब इंस्पेक्टर है, लेकिन फिलहाल ये एक लंबी छुट्टी पर है। अब ऐसे में ये दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है, अभी भी ये छुट्टी पर ही है। पुलिस स्टेशन जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है, यानी कि मार्टिन और शिवा के मर्डर केस का। अब इसके पीछे की वजह क्या है, भाई ये इतनी लंबी छुट्टी पे क्यों गया, और ये मार्टिन सिबा का मर्डर क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखना पड़ेगा। देखो यार, अगर आप लोग सिंगम के बहुत बड़े फैन हो, चुलबुल पांडे के बहुत बड़े फैन हो, या राउडी राठौड़ के बहुत बड़े फैन हो, तो ये पर्टिकुलर मूवी में आपको एक अलग तरह का पुलिस ऑफिसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी रियलिटी से नज़दीक देखने को मिलता है। और ये एक डिफरेंट कॉप ड्रामा मूवी है, जहाँ पर मर्डर तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन होता है या चीज़ें आगे बढ़ती ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। लेकिन इस मूवी का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका स्लो बर्न। मूवी की कहानी काफ़ी स्लोली 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 आगे बढ़ती है, और इसकी जो लेंथ है वो 2 hours 22 minutes की, तो इस वजह से जो न्यूट्रल ऑडियंस है शायद उनको ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे। लेकिन जो मेरी तरह मूवी लवर है या रिव्यूअर है, तो वो लोग को ये मूवी अच्छी लगी, क्योंकि उनको पता है कि मूवी का जो असली मजा है धीरे धीरे ही आता है। और एंड में जिस तरह से इस मूवी का क्लाइमैक्स वहां पर देखकर, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका Part 2 डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है अरविंद का, जिसको यहाँ पर डुलकर सलमान ने प्ले किया। उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, कहीं ना कहीं एक पुलिस ऑफिसर, आज का पुलिस ऑफिसर, मुझे नहीं पता कितने ऐसे पुलिस ऑफिसर है बाकी है, लेकिन जितने भी है वो इजीली इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टराइजेशन। दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और मूवी में अगर एक्शंस की बात करो तो यहाँ पर आपको ये पुलिस ऑफिसर यहाँ से जंप मारा वहाँ से जंप मारा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल एक्शन सीन्स रखे गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल भी महसूस होते हैं, काफ़ी बहुत अच्छी है। काफ़ी डार्क सीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल मिला के वो आपका दिल जीत लेंगे। मलयालम मूवी में जिस तरह से केरला को बताता है उसके तो क्या ही कहने। और अगर मूवी के बीजीएम की बात करूँ तो बीजीएम भी कुछ कुछ जगह पे आपको थ्रिल करता है, और कुछ जगह पे आपको इमोशनल भी करता है। ओवरऑल इट्स अ वॉचेबल मूवी। अगर आपको स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखनी है तो यार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, और पेरेंटल गाइडेंस इतना ही बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ नहीं है, और अश्लील से ज्यादा डायना पेंटी भी है इस मूवी में, बट क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। खैर अब हम लोग बात करेंगे जेम्स, वन लास्ट टाइम पावर स्टार
पावर स्टार पुनीत राजकुमार। यार इस मूवी को देखते जब मैं जा रहा था तो मन में इमोशंस भी थे और एक्साइटमेंट भी था कि पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर को स्क्रीन पर देखने का मौका मिल रहा है। और यकीन मानो ये मूवी एक ऐसी थ्रिलिंग राइड है जो आपको अपने साथ बिठा के इतना मजा दिलाएगी कि भाई आप लोग थिएटर से बाहर निकल के बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है संतोष कुमार से, जो कि अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, इसे जेम्स भी कहते हैं। खैर अभी इसको एक टास्क मिलता है एक ड्रग कार्टल की फैमिली को सिक्योरिटी करने का। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको देखनी पड़ेगी जेम्स। जेम्स मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो एकदम गजब का है भाई, बहुत ज्यादा फास्ट रखा गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे एक्शन सीन्स होते हैं जो आपको इस मूवी में पूरी तरह से एंगेज कर रखेंगे। और इन सबके ऊपर है पावर स्टार पुनीत राजकुमार और उनकी ये वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश मूवी एवर आप लोग कह सकते हो। फर्स्ट हाफ में आपको एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है और एक लव ट्रैक भी देखने को मिलता है, जिस पर इस मूवी में ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ज्यादा ये मूवी में एक्शन पर ही फोकस किया गया। और अगर सेकेंड हाफ की बात करूँ तो बूम एकदम अलग। और सेकंड हाफ देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर को दो अलग अलग शेड्स में दिखाया है। सेकंड हाफ में कुछ इमोशनल सीन्स है जो कि मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन फिर भी आप लोग जब इस पर्टिकुलर मूवी में देखोगे तो आपको कैसा लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की बहुत 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 गजब की है। मतलब कनाडा मूवी वालों ने अपनी जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल आने वाले इस सालों में बदला है ना, वो देखने लायक है। बट इस मूवी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये पावर स्टार पुनीत राजकुमार हर एक फ्रेम में आपका दिल जीत लेंगे, द वे हे परफॉर्म यार, ही इज अ वर्सटाइल एक्टर। उसके अलावा मूवी में आपको कुछ कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, कैमियोज के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन मूवी में जब देख लोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। सॉन्ग्स म्यूजिक की बात करूँ तो म्यूजिक इस मूवी का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा होना चाहिए था। अब मूवी का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी। स्टोरी अच्छी है लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनर है। और अगर आप लोग अप्पू सर के बहुत बड़े फैन हो तो ये तो आपके लिए बस मस्ट वॉच बन ही जाता है। अगर आप लोग ये नहीं देखोगे तो फिर आप लोग क्या देखोगे। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10 और पेरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा जा सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।